एक गरीब किसान थे इलिटरेट एंड पुअर फार्मर थे ठीक है हमेशा की तरह आपको बताती हूँ कि सारे आंसर जो हैं लास्ट में लिखे गए हैं तो प्लीज आप उन्हें चेक कर लीजिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी वेंट टू चंपारण ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किसकी रिक्वेस्ट पर गांधी जी चंपारण गए थे येस यू नो राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर वो चंपारण गए थे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला थर्ड क्वेश्चन देखिए चंपारण इज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग यस चंपारण जो है किसके तराइयों में कौन से पर्वत की तराइयों में बसा हुआ था यस yes, हिमालय किसकी यहाँ पे आंसर आएगा हिमालय नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गांधी जी डिसाइडेड टू तो गो फर्स्ट टू विच वाज इन रूट टू तो चंपारण गांधी जी ने डिसाइड किया पहले कहाँ जाने का जब वो चंपारण जा रहे थे तो मुजफ्फरपुर आंसर क्या आएगा मुजफ्फरपुर उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किया क्यों किया ये भी आपको पता होना चाहिए है ना बिकॉज इफ वॉन्टेड टू गैदर मॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस उस वो जो केस था वहाँ पे उससे रिलेटेड वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते थे इसलिए वो पहले मुजफ्फरपुर गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजकुमार शुक्ला वॉज डैश बट रेजुलट राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे क्या थे यहाँ पे आंसर क्या आएगा इलिटरेट थे बट रेजुलेट लेकिन पक्के इरादे वाले थे उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा था जब तक उन्होंने चंपारण चलने के लिए उन्हें कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे दी याद है ना आपको नेक्स्ट देखिए द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स बाउंड द फार्मर्स टू प्लांट डैश परसेंट ऑफ द लैंड विद इंडिगो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड ने फार्मर्स को कितने परसेंट लैंड पर इंडिगो उगाने के लिए बाउंड किया हुआ था येस yes, ये तो आपको याद ही होगा फिफ्टीन ठीक है नेक्स्ट जर्मनी है डेवलप्ड जर्मनी ने कौन सा इंडिगो डेवलप कर लिया था यस सिंथेटिक इंडिगो कौन सा इंडिगो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी हेल्प टू द पुअर पीजेंट्स एंड मेड दैम अवेयर ऑफ देयर डैश एंड सेल्फ रिलायंस गांधी जी ने पुअर पीजेंट्स की जो है हेल्प की थी और उन्हें अवेयर किया था उनके सेल्फ रिलायंस और क्या था फंडामेंटल राइट्स उनके मौलिक अधिकारों के लिए और उन्हें आत्मनिर्भरता के बारे में उन्हें अवेयर किया द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण वाज क्या थी यस yes, नाम ही मालूम है आपको चैप्टर का इंटिगो है ना नेक्स्ट देखिए द पीपल ऑफ चंपारण चंपारणवास शोशली क्या थे बैकवर्ड अगर आपने चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है और आप बिल्कुल सेकंड में आंसर दे सकते हैं है ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर उन्होंने कहा था गांधी जी ने कि शेयर क्रॉपर्स से जो रियल उनको मुक्ति दिलानी है तो पहले उनको भय से मुक्ति उनको डर से मुक्ति दिलानी होगी ठीक है तो फ्री फ्रॉम फियर नेक्स्ट देखो द पर्सन शोइंग ए कॉटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ पर्सन जो है अपनी कॉटेड टंग दिखाता था उसे कौन सी दवाई दी जाती थी ये आपको मैंने बताया हुआ है आपको नॉर्थ से so बकायदा लिखवाया हुआ है सारा यस कैस्टर ऑयल क्या दिया जाता था कैस्टर ऑयल तीन तरह की दवाइयाँ बताई थी तीन तरह के डिजीज बताई थी आपको कैसे कैसे क्या देना होता था ये आपको सब बताया गया था तो आप याद कर लीजिएगा एट लास्ट द ब्रिटिशर्स एग्रीड टू रिफंड डैश ऑफ द पीजेंट्स मनी लास्ट में ब्रिटिश जो थे ब्रिटिशर्स थे जो अंग्रेज़ लोग थे वो पिजेंट्स की मनी कितना परसेंट देने के लिए एग्री हो गए थे यस ट्वेंटी फाइव परसेंट देने के लिए डैश रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ़्फ़रपुर मुजफ्फ़रपुर को गांधी जी ने किसने रिसीव किया था प्रोफेसर जे बी कृपलानी और उनके स्टूडेंट्स ने गांधी जी को रिसीव किया था ठीक है याद रखना है आपको ये सब नेक्स्ट देखो गांधी जी टोट तो से लेसन इन गांधी जी ने हमें कौन सा सबक सिखाया कौन सा पाठ पढ़ाया ये सेल्फ रिलायंस का आत्मनिर्भरता का उन्होंने पाठ पढ़ाया कि हमें हमारी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होता है वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ठीक है तो बच्चों आई हैव रिटन ऑल आंसर्स हियर प्लीज इसे आप अपनी नोटबुक में लिखिए कॉपी में सारे आंसर और क्वेश्चन भी लिखिएगा ठीक है चलिए अब हम करते हैं वन लाइन क्वेश्चन आंसर हमारे छोटे छोटे से जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो अभी आपको सुनते सुनते ही याद हो जाने वाले हैं तो और एक बार अगर आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपके अच्छे से पक्के से याद हो जाएंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हुइट गांधी जी टू चंपारण कौन लेकर गया गांधी जी को चंपारण बिल्कुल आसान यस राजकुमार शुक्ला लेट गांधी जी टू चंपारण ठीक है नेक्स्ट वाई डिट राजकुमार शुक्ला वांट गांधी जी टू कम चंपारण तो राजकुमार शुक्ला क्यों चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए क्या रीज़न था तो ही वॉन्टेड गांधी जी टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ हिज एरिया एंड फाइट अगेंस्ट इन जस्टिस बींग डन टू दैम ही वॉन्टेड ही मतलब राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स यानी कि जो इंडिगो उगाने वाले बंटाईदार थे उनकी हेल्प करें और जो उनके साथ अन्याय हुआ, हो रहा था उनके खिलाफ वो जो है एक लड़ाई शुरू करें उनके खिलाफ जो है वकालत करें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो उन लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था एक समझौता हुआ हुआ था उसकी क्या शर्तें थी किस किस के बीच में समझौता हुआ था बिटवीन ब्रिटिश लैंडलोर्ड्स एंड द पीजेंट्स यानी कि जो अंग्रेज जमींदार थे और किसान थे उन लोगों के बीच में क्या समझौता हुआ था द ब्रिटिश कंपलजन ऑन द इंडियन टीनेट्स टू ग्रो इंडिगो इन फिफ्टीन परसेंट लैंड फार्मर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द इंडिगो हार्वेस्ट समझौता क्या हुआ हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कंपल्सन एक बाध्य कर दिया था इंडियन टेनेंट्स को भारतीय किसानों को कि वो अपनी ज़मीन पर पंद्रह प्रतिशत इंडिगो उगाएंगे और उन किसानों को उन इस इंडिगो हार्वेस्ट से जो उस समय बहुत महंगी होती थी और उससे ही वंचित रख दिया जाता था यानी कि वो वो इंडिगो की जो फसल जो उगाते थे उन्हें किराए के रूप में उन ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ती थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाई डिट गांधी जी नोट एग्री टू विजिट चंपारण इमीजिएटली गांधी जी बिल्कुल तुरंत ही जैसे ही राजकुमार शुक्ला ने कहा चंपारण जाने को क्यों राज़ी नहीं हुए क्यों सहमत नहीं हुए तो आंसर है गांधी जी हैड टू गो टू कानपुर उन्होंने कानपुर जाना था एंड अदर प्लेसेस ऑन अकाउंट ऑफ अदर अपॉइंटमेंट्स क्योंकि पूर्व निर्धारित कुछ मीटिंग्स थी अपॉइंटमेंट्स थी दूसरी जगह पर ठीक है तो उन्हें पहले वहाँ जाना था आप जानते ही हैं कि गांधी जी बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन थे और इसलिए जो उन्होंने पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे वो वहाँ वहाँ गए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए हाउ डिड गांधी जी एग्री टू तो विजिट चंपारण तो कैसे सहमत हो गई फिर चंपारण जाने को वो तो देखें राजकुमार शुक्ला फोलो आउड गांधी जी एवरीवेयर अब गांधी जी जहाँ जहाँ गए राजकुमार शुक्ला जी वहाँ वहाँ उनके पीछे पीछे गए सो लुकिंग हिज टेनेसिटी उनकी लगन को देखकर कर गांधी जी एग्री टू तो विजिट चंपारण गांधी जी सहमत हो गए चंपारण जाने के लिए ठीक है क्लियर नेक्स्ट देखो वाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर अब गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए गांधी जी टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज एबल टू प्रोवाइड गांधी जी पहले इन्फॉर्मेशन जो है इस केस के बारे में इस जो हालात थे उसके बारे में और भी कंडीशन जो है गेन करना चाहते थे जो कि शुक्ला जो थे वो प्रोवाइड करवाने में असमर्थ थे यानी कि शुक्ला इतनी सारी जो इलीगल ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे जितनी गांधी जी को चाहिए थी तो वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो मुजफ्फरपुर गए जो कि चंपारण जाने के रास्ते में आता था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन देखो वाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको आता होगा गांधी जी स्कॉल्डेड द लॉयर्स फॉर चार्जिंग हैवी फी फ्रॉम द पुअर फार्मर्स टू फाइट देयर केस गांधी जी ने वकीलों को इसलिए डांटा क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे उनका केस लड़ने के लिए ठीक है तो वो उन्होंने उनको इसलिए डांटा कि वो पहले से ही गरीब है तुम उनको इतनी सारी फीस लेकर उन्हें और, और मारे जा रहे हो उन्हें जो सच में अगर फ्री करवाना है तो उन्हें डर से मुक्ति दिलवानी होगी ठीक है आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे अब इंडिगो उगाने में इंडिगो की खेती करने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे येस दे लर्न दे का मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स जान गए थे कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो यानी कि जो आर्टिफिशियल इंडिगो कृत्रिम इंडिगो जो है विकसित कर लिया था एंड द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वॉज लो और अब जो नेचुरल इंडिगो की जो कीमत थी वो नीचे जाने वाली थी रिड्यूस होने वाली थी कम होने वाली थी इसलिए नेचुरल इंडिगो गाने में कोई फायदा नहीं था ठीक है बच्चों तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फीलअप एंड वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स। और मुझे लगता है इनमें से अगर आप लोगों ने ये लर्न कर लिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थैंक यू बच्चों।